सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो माँ से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक है माँ क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इसमें माँ के ऊपर कुछ पत्र लिखे जाएंगे और ये पत्र आप लोग को देखने को मिलेगा। और हमारे साध्वी जी भगवंत के मुख से माँ के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनने को भी मिलेगा। जन्म दिया है वो कौन सी माँ है? तीसरी माँ है। भले ही आपके पास वो जन्म देने वाली माँ अभी अपने पास मौजूद नहीं है, घर में है, तो हमारे पास कौन कौन सी माँ मौजूद है? परमात्मा और गुरु माता। जब भी कोई माँ की बात करता है तो अपने आँख में से आंसू आंसू निकल आते हैं। नहीं, मेरी माँ को मैं कब मिली थी? 9 दिन हो गए उनको मिले, कितने दिन हो गए? 9 दिन। आज भी ऐसा रात में सोचते हैं, जब माइंड फ्री होता है, हम फ्री होते हैं, तब ऐसा सोचते हैं मेरी माँ क्या कर रही होगी, मुझे याद कर रही होगी, आज मुझे बहुत इसकी याद आती है। होता है ना? होता है ना कि नहीं होता है? होता है। आज आप मुझे बोलती थी कि बेटा उनके लिए रेडी हो जा, तो नहीं होते थे? माँ बोलती थी बेटा ये खाना खा लो, तो नहीं खाते थे? माँ बोलती थी बेटा ये दूध पी लो, नहीं पीते हैं? माँ बोलती थी बेटा मोबाइल बंद करो, नहीं करते हैं? माँ बोलती है बेटा सो जा, नहीं सोते हैं? माँ के साथ क्या करते हो? हर रोज आप झगड़ा, क्या करते हो? झगड़ा झगड़ा, क्योंकि आमने सामने बोल बोला चाही होती ही रहती है। लेकिन माँ जगत में ऐसी है कि 100 लोग भी हमको प्रेम दे दे, लाखों करोड़ लोग भी हम प्रेम दे दे, लेकिन माँ की माँ के प्रेम के आगे कोई आ नहीं सकता है। बराबर, इसलिए आज हम तय किया है कि माँ क्या होती है। टोटल 40 बहनों ने माँ के ऊपर पत्र लिखा है, लेकिन इसमें से 4-5 पत्र को हमारे साहेब जी आप सभी लोग को पढ़कर सुनाएंगे। इतना रोए, पूरी गद्दी भर गई, पूरा चुन्नी भर गया था, मटका भर गया था, बराबर ना? बड़ौदा में क्या आ गया? बाढ़ आ गया। तो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि माँ जब नहीं होती है आपके सामने तो माँ की याद अक्सर आया करती है, और जब होती है तब उसकी कीमत हमको नहीं होती है। इसलिए यहाँ से सीखकर वो जाना है कि घर भी जाएंगे पहले माँ जो बोलेंगी वो ही हम करेंगे, उसके सामने कभी भी बोलेंगे नहीं माँ तुम वैसे ही हो, बाहर जाने ही नहीं देती हो, मोबाइल खेलने ही नहीं देती हो। इतना समझना कि जब माँ आपको बोलेगी तो आपके भले के लिए ही बोलती है, उसको कुछ शौक नहीं आपको लड़ने का, आपको आपके साथ बोलने का। बराबर, यहाँ गुरु महाराज भी आपको जब जब बोलेंगे कि गाथा करो सामयिक करो, तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ से घर पे जाओगे तो कोई आपको कुछ भी सिखाने वाला है भाई? सिखाने वाला है? कोई प्रवचन देने वाला है? वो ऐसा बोलेगा चलो बेटा दर्शन करके आओ, नौकर जी का बचकान लो? कोई बोलने वाला है? जो कल हमने माता ऐसे लिखा है, जो अच्छा अच्छा है, सबने अच्छा ही लिखा है, सबने सबके ऊपर ऐसा है कि मेरे मुझे मेरी माँ प्यारी है, मेरे सबका पढ़ा है, ऐसा बुरा मत लगाना। और आज जो अच्छा अच्छा लिखा है, माँ वहाँ होती है जिनके बारे में हम लफ्ज़ों में क्या नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं। माँ वहाँ है जो खुद कष्ट कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख देती है। माँ वहाँ होती है जो खुद खाना ना खाकर हमें खिलाती है। माँ वहाँ होती है जो बिना बोले हमारे दर्द को समझ जाती है। माँ वहाँ है जिनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं। वही मेरे सब कुछ है, मेरे जीने का आधार मेरी माँ है। आई लव यू मॉम द मोस्ट, यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। मेरी प्यारी माँ स्वीटी का है जो हर वक्त आसपास रहे, वह अक्सर नजर नहीं आती, माँ के साथ भी वही होती है। माता ने कब घर से किसी कोने में खो जाती है, वह इतना देखती है कि दिखना ही बंद हो जाती है। हाँ, आज आपसे मिले 5 दिन हो गए हैं,
पता है माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। सुबह आपका जोर से चिल्ला कर उठाना, वहाँ प्यार से डांटना और फिर मनाना, यहाँ आपकी तरह मुझे समझने वाला कोई नहीं है। जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो साहिब जी हमारे पास आकर प्यार से समझती है। पता नहीं माँ, आप मुझे कितनी याद करती हो, मुझे पता है मुझसे ज़्यादा तो नहीं करती होगी। जब घर में आपके साथ रहती हूँ तो कितना लड़ती हूँ, आपसे दूर जाकर पता चला कि कितना प्यार करती है वो आप मुझसे। लिखना तो बहुत कुछ है आपको, पर सब कुछ लिख नहीं सकती, बस इतना कहती हूँ कि बहुत याद आती हूँ आप। आई मिस यू माँ, आई लव यू माँ, आपकी बेटी वो नहीं, नाम अच्छा नहीं लिखा है, कटु है, कटु स्वीटी। माँ क्या है, मेरा माँ बहुत ही प्यारा है, ऐसा पढ़ना है। माँ बहुत बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। माँ वह होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें पृथ्वी में लाते हैं। माँ वो है जो हमें पालन पोषण करके बड़ा करती है। माँ वो है जो बच्चा का ध्यान रखती है। जैसा माँ बच्चों को अपने हाथ से खिलाते हैं, अपने हाथ से नहलाते भी हैं। माँ वह है जो हमें रोते हैं तब हमको चुप करता है, जब नींद नहीं आती तब गाना बोल के सिलाते हैं। माँ वह है जो बच्चा को बिना खिला के अपने आप नहीं खाती है। बच्चा माँ की जान होती है। माँ तो इतनी अच्छी है, माँ तो कैसी है, तुमको बहुत याद आती है। सुना ले माँ जी सालकुंडा। मेरी प्यारी माँ, सबसे पहले तुझे मैं प्रणाम करती हूँ। माँ तू कैसी है, माँ कैसी है, माँ मैं ठीक हूँ। माँ आज मैं यहाँ आई हुई 5 दिन हो गया, इसी 5 दिन में मैंने न जाने तुझे कितनी बार याद की है। तुझे मैं वहाँ बहुत याद कर रही हूँ। माँ जब से उठती हूँ तो भी तू याद आती है। माँ जब मैं खाती हूँ तब भी तू याद आती है। जब मैं सोती हूँ तब भी तू याद आती है। माँ मैं तेरे हाथों के खाना को खाने को बहुत याद करती हूँ। माँ मैं तेरी डांट को बहुत याद करती हूँ। वाह माँ मुझे मोबाइल चलाने के समय भी तेरी याद आती है। वैसे माँ तू चिंता मत करना, मेरे पास अभी गुरु माँ है जो तेरे जैसे ही हमसे प्यार करती है। कभी कभी डांटते हैं और फिर मना भी लेते हैं। मेरे परमात्मा भी है जो हमारे ध्यान रखते हैं, फिर भी माँ तेरी याद आती है। माँ तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती है, मुझे माँ तेरी बहुत याद आती है। मिस यू माँ, तेरी प्यारी बेटी अनु। माँ क्या है वो टॉपिक था, माँ मेरा प्रणाम लेना, माँ मेरा प्रणाम लेना और मुझे आशीर्वाद देना। मैं भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हूँ, बंगाली ही बोल रही हूँ आपकी भाषा में, अच्छा हूँ। आशा करती हूँ तुम भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हो। आपकी बहुत याद आती है, रात में नींद नहीं आती है, खाना खाती हूँ तो आपको याद करती हूँ कि आप अकेले घर क्या कर रही होगी। खाना खाती या नहीं, तबीयत ठीक रहती है या नहीं, दवाई लेती हो ले पा रही हो या नहीं। जब आप मुझे डांटते हो तो बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ डांटने वाला कोई नहीं है। आपकी बहुत याद आती है ना। आपका ख्याल ठीक रख रही हूँ माँ, तुम भी अपना ख्याल ठीक से रखना। माँ तुम जब मुस्कुराती हो तो कितनी अच्छी लगती है, और तुम जब रोती हो तो मुझे रोना आ जाती है। माँ मेरे लिए तुम हमेशा मुस्कुराना, चाहे कोई कितना भी प्यार दे पर तुम्हारे जैसे कोई प्यार नहीं कर सकता। आई लव यू माँ, लवली। प्रणाम मेरी प्यारी माँ। माँ आप बहुत अच्छी है और आप हमसे बहुत प्यार करती है। माँ आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। माँ मुझे हमेशा आपके साथ रहना है, आपके जैसा मुझे कोई नहीं इतना प्यार कर सकता। इससे आप हमेशा मेरे साथ रहिए, जिसके लिए आप मेरे हमेशा मेरे साथ रहिए। ससुराल में लेके जाएगी विष्णु। माँ आपसे दूर रहने से मेरा बहुत दुख होता है, और आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। माँ इसीलिए बहुत याद आ रही है। माँ आपकी बहुत
यार आपकी याद आने से मुझे बहुत रोना आ रहा है। क्या करूं मैं, यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आपकी मिस्टू, आपकी पुत्री मिस्टू, बहुत 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 अच्छा।